अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे अपने अहल वयाल के साथ। अच्छा भाईजान और बहनों, आज हम लोग बात करेंगे वंस अगेन फॉर द माल्टा। हम लोग माल्टा के लिए बात करेंगे। माल्टा जो है वो एज़ एवरीबडी नोज के वो सबसे ज़्यादा जो है वो इस वक्त जो है वो वर्क परमिट जो है वो दे रहा है इंडियंस को, पाकिस्तानीज को, बांग्लादेश को। मेन चीज़ है उनका कि वो स्किल वाले जो बंदे हैं जिनके पास एक अच्छा काम का तजुर्बा है, उनको अच्छी इंग्लिश आती है और वो जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोग जो है वो जॉब ज़्यादातर जो कोशिश करें वो ऑनलाइन करें, क्योंकि उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर आप माल्टा का जो अपना होटल्स इंडस्ट्रीज़ है उसमें भी काफ़ी सारे बंदे उनको चाहिए, लाइक क्लीनर चाहिए, फूड एंड बेवरेज में उनको बंदे चाहिए, सुपरवाइज़र चाहिए, टेक्नीशियंस चाहिए, वेल्डर चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ों का आपको एक मसलन मिल जाए, अगर आप लोग एक जगह पे जाके आपको ये सब जॉब्स मिल जाएं तो कैसा रहेगा। आई होप ये बहुत अच्छा रहेगा। और उसके साथ एक और चीज़ है कि आप जो रिक्रूटमेंट एजेंसी मैंने आपको बताई थी और जिनका मैंने आपके साथ ईमेल भी शेयर किया था प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ उन पे भी अपना सीवी ड्रॉप करें और उनको अप्रोच करें। आई नो कि वो थोड़े पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं, विच इज़ मैंने भी उनसे जो है वो बात की थी, तो उन्होंने कुछ आई थिंक कुछ 2200-2300 जो मैं ओमान में हूँ तो ओमानी रियाल मांगे थे, 2200-2300 रियाल। इट मीन्स अराउंड कॉस्ट वो जो अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो वो कुछ 3500 यूरो के आसपास जो है वो बात आती है। तो बात करने का मकसद है कि चलो हम लोग ट्राई करें कहीं ना कहीं पे, क्योंकि भाई देखो, टू बी ऑनेस्टली एंड टू बी फ्रैंकली, हम लोग किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करेंगे हमें कोई फ्री वीज़ा नहीं देगा, नो वन। ये हमारे एक मिसकंसेप्शन है एक हमारे, ठीक है, कई बंदों को अगर फॉर एग्जांपल 1000 बंदा अप्लाई कर रहा है तो उसमें अगर एक या दो को या पांच को भी एग्जाम्पली अगर वो लोग फ्री वीज़ा और फ्री टिकट्स एंड फ्री सब चीज़ें दे देते हैं, विच इज़ नॉट अ सक्सेस स्टोरी, ओके। तो कुछ ना कुछ आपको देख ही, क्योंकि वो जो माल्टा वाले एक्चुअल में वो भी अब बड़े स्मार्ट हो गए हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जितने भी उनके पास वीज़े या जगहें जो जहाँ पर उनको बंदे रिक्वायर्ड होते हैं वो इन रिक्रूटमेंट एजेंसियों वाले से रब्ता करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी अपना कमीशन चाहिए, वो भी हम इंडियन पाकिस्तानियों से जो है वो सीख गए हैं कि भाई अपना कमीशन जो है वो कैसे सेव करना है। तो आप सब भाइयों से बहनों से जो भी जाना चाहता है उनसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आपको कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज का कॉन्टैक्ट चाहिए, आपको उनके साथ रब्ता चाहिए, तो मैं दे सकता हूँ, उसमें रब्ता करवा सकता हूँ आपका, रिक्रूटमेंट एजेंसीज का बता सकता हूँ आपके साथ जो है वो। हाँ, सीवी और कवर लेटर के लिए मैंने ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस वीडियो में अपना एक सिस्टर होती हैं दुबई में, उनका मैंने नंबर शेयर किया आप सबके साथ कि आप उनके साथ उनको आप अप्रोच करें सीवी के लिए, यूरोपा सीवी एंड कवर लेटर के लिए। वो आपसे एक छोटी सी अमाउंट जो है वो चार्ज करेंगी एंड शी विल प्रिपेयर योर सीवी लाइक ऑसमली, ओके। आप जिस भी काम, जिस भी आपका कैटेगरी, जो भी आप काम कर रहे हैं उसी कैटेगरी में अपना सीवी बनवाएं, कवर लेटर बनवाएं और आप भी किसी भी जो है ये क्या बोलते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसी वाले, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनको भी बोल सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं कि भाई मैं ऐसा ऐसा है, मैं जाना चाह रहा हूँ और ये मेरी चीज़ें हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसी वालों का एक और भी छोटा सा प्रॉब्लम चल रहा है, वो क्या चल रहा है कि वो टाइम दे रहे हैं 6 मंथ का। मैंने एक से अभी पता किया है, एक कल मैंने पता किया, तो उन्होंने मुझे टाइम बोला जी कि हम आपको जो है वो विद इन अ 6 मंथ वी विल टेक यू ओमान टू माल्टा। सो मेरे एक जेन में एक क्वेश्चन है कि यार 6 मंथ इट्स टू लॉन्ग, यानी ओके, इफ इट इज 3 मंथ एंड 2 मंथ एंड हाफ, सो दैट्स क्वाइट अ पॉसिबल, दैट्स क्वाइट अ साउंड गुड, यानी कि यार ओके, इतने में काम हो जाएगा और आपको अगर फॉर एग्जाम्पल 3500 यूरो या आपको जितना भी पे करना है, विच इज़ ओके फाइन, बट द फैक्ट अगर वो हमारा काम कर देते हैं तो मैं आपके साथ जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी, मैं किसी को जो है वो आप क्या बोलते हैं कि मैं किसी को पैसे लेकर उनको एडवर्टाइजिंग या ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको जस्ट एक सजेशन दे रहा हूँ कि इफ़ यू वांट यू कैन डू इट, इफ़ यू डोंट देन डोंट डू इट, ओके हो गया। तो आप सबसे गुजारिश है कि इंशाल्लाह पॉजिटिव रहें, जिन लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है वो करते रहें, नो इशू, इंशाल्लाह बिदनिल्ला मेरी अपनी दुआ है मेरे भाई कि मेरा हो जाए, मैं भी ऑनलाइन काफ़ी जगह पर अप्लाई कर रहा हूँ,
तो मैं आपके लिए भी यही दुआ करूंगा कि आपके लिए भी इंशाल्लाह जो है वो ऑनलाइन अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो इंशाल्लाह आपका भी हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें, और अगर आपको कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज के कॉन्टैक्ट्स एंड ये वो चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप लोग जो है मेरा इंस्टाग्राम है मेंशन है, आप लोग मुझे उससे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको जो नंबर है वो प्रोवाइड कर दूंगा, उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो आप प्रोवाइड कर दूंगा। बात आपने खुद करनी है, आपने उनसे खुद सॉरी बात आपने उससे खुद करनी है, आपने खुद बोलना है कि भाई आपको किस तरह की सर्विसेज चाहिए, क्या आपका पेमेंट का क्या रहेगा, कैसे रहेगा, किस तरह होगा, वो आपको खुद करना है। लेकिन एक चीज़ है मेरे भाई और बहनों, हमें अगर हम जाना चाहते हैं तो वी शुड बिलीव समवन, हमें वो बिलीव करना पड़ेगा, हमें वो यकीन करना पड़ेगा कि यार हम ओके, हम इस बंदे को 5 लाख 4 लाख 2 लाख 3 लाख व्हाटएवर जितना भी एक अमाउंट दे रहे हैं। ठीक है, अब तो YouTube पे ऐसी ऐसी वीडियो भी आने लग गई हैं कि भाई मैं आपका सब्सक्राइबर था जनाब जी, मुझे आपकी वजह से एक वीज़ा मिल गया, ऑनलाइन मैंने सर्च किया और मिल गया। ओके, दिस अ पॉसिबल, दैट्स आई एम नॉट सेड दैट्स नॉट अ पॉसिबल, दैट्स अ पॉसिबल, बट द इन अगर वो 100 केस हैं तो 100 में एक। ओके, तो इंशाल्लाह आप सबके लिए बहुत दिल से दुआ है, और आप सब लोग मेरी दुआ करें, मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा, और इंशाल्लाह बिदनिल्ला कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत सारा ख्याल रखें। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू सो मच।